छत्तीसगढ़ से हमारे साथ शैलेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। शैलेश जी नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट का बैंक का जो है 10,000 शेयर है। हेलो जी मैडम, 10,000 शेयर है। मैं जी जी कितने समय के लिए लिया आपने ये? मैडम मैं जो है 6-7 महीने के लिए लिया हूँ। ठीक है क्षितिज, एक और बैंकिंग स्टॉक पर सवाल आया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और इनकी जो खरीदारी है वो आसपास ही है और लकीली मुनाफा हो रहा है, इनको हल्का मुनाफा हो रहा है 3,500 का। समय दे सकते हैं स्टॉक में 6-7 महीने के लिए, क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? बिल्कुल पूछा, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, इनफैक्ट पूरे बैंकिंग काउंटर की बात करें तो बीते कई हफ्तों में हम लोगों ने देखा कि छोटे मझोले बैंक्स में बहुत अच्छी रैली इनफैक्ट देखने को मिली। वहीं अगर आईडीएफसी की बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40 रुपए से रैली लेना स्टार्ट किया था और ऊपरी स्तरों पर 60 से 62 रुपए तक स्टॉक ने अपसाइड लेवल टेस्ट करे। अब फिलहाल की बात करें तो देखिए स्टॉक एक दायरे से गुजर है, डाउनसाइड की बात करें तो 56 रुपए के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप कर लिया स्टॉक ने। अपसाइड की बात करें तो 62 से 63 के जोन में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप करा है। तो मेरी सलाह कि देखिए स्टॉक अच्छा है, टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन की तरफ यहां पे इशारा कर रहा है, बट आपका जो व्यू है थोड़ा 6 महीने की तरफ है तो मैं आपको सलाह दूंगा यहां पे स्टॉक को होल्ड करके चलिए। आने वाले सेशन में स्टॉक एक बार फिर से रैली लेने के लिए तैयार है। आप डाउनसाइड की बात करें तो मुझे लगता है 56 रुपए तक के लेवल्स को जब तक स्टॉक डाउनसाइड मेंटेन कर रहा है, अपसाइड लेवल जो है 63-64 के लेवल्स ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स देखने को मिल सकते हैं। तो सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर बने रहे, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 56 रुपए के नीचे। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए स्टॉप लॉस होगा 56 रुपए का। आगे बढ़ेंगे विनय।